फैंसी पढ़ने हैं, सेक्शन 96 से 106। तो इसमें दो तरह के प्राइवेट डिफेंस हैं। एक प्राइवेट डिफेंस जो कि आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर आपकी बॉडीली इंजरी करने को होता है, जो आपका चैप्टर 16 है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, उसके केस में होता है। तो एक तो है सेक्शन आपका कि आपको प्राइवेट डिफेंस है, इवन आप पे जो हमला कर रहा है उसको मारने तक का। और दूसरा केस है कि आपको जो प्राइवेट डिफेंस है वो कोई भी अक्यूज का कोई भी हार्म करने के लिए, लेकिन मारने का नहीं है। इसी तरह से प्रॉपर्टी के ऊपर है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई छीन रहा है, जैसे कि रॉबरी आपसे कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, दैट एक्सटेंड टू किलिंग दैट अक्यूज, उसकी डेथ कोज करने तक का आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। बट कुछ केसेस में जो है आपका प्राइवेट डिफेंस वो डेथ कोज करने तक नहीं होता है। और इसी पे आपका 16 नंबर केस है, 17 नंबर केस, 18 नंबर एंड 19 नंबर। अब इस पोर्शन से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। केवल 10 सेक्शन है, 96 से 106, और इन 10 सेक्शन में से आप 20 नंबर का कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन आपका आता है किडनैपिंग एंड एबडक्शन। सो ये दो वर्ड यूज हैं, किडनैपिंग, किड का मतलब होता है बच्चा, नैप का मतलब सोना, जो सोने को कहते हैं। सो ये जो ऑफेंस है, ये जब सोते हुए बच्चों को उठा ले जाते थे तो उसको किडनैपिंग कहते हैं। किडनैपिंग जो है ये बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें एज फैक्टर है। अगर किसी बड़े आदमी को उठा ले गए, 50 साल के आदमी को, कार आई और एकदम से उसको पकड़ा और ले गए, तो उसको किडनैपिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम एबडक्शन बोलेंगे। किडनैपिंग के लिए एज है, लड़की के लिए इतनी एज, लड़के के लिए इतनी एज, और अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो उसके लिए कितनी एज। और एबडक्शन होता है कि इन एज के अलावा अगर किसी आदमी को आप बहला के या फोर्सफुली, या तो आप बहला के या फोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, तो उसको एबडक्शन कहते हैं। अब किडनैपिंग जो है, इसका बहुत बार यूज ऐसे होता है कि जैसे बिल्कुल यंग लड़के हैं, 17 साल के, बिकॉज लड़की के लिए किडनैपिंग की एज जो है वो 18 ईयर है। अगर 18 ईयर से ऊपर की लड़की है तो उसकी किडनैपिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर 17 ईयर की लड़की है, या 17 से और 17.5 साल की है, और उस समय जो अफेयर डेवलप होता है, बिकॉज बच्चों में उस समय जो है सेक्सुअल हार्मोन्स भी ज़्यादा होते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, तो कई बार उस प्यार के चक्कर में लड़कियां खुद पहल करके जैसे जो चली जाती हैं, तो क्या उसमें किडनैपिंग होगी या नहीं होगी, या दोनों जो हैं लड़का लड़की कहते हैं कि नहीं हमें शादी करना है, लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि लड़की की उम्र जो है वो 18 से कम है, तो कई बार इसको मिसयूज भी हो जाता है। और ऐसे केस में ये है कि किडनैपिंग कब होगी और किडनैपिंग कब नहीं होगी, हमें तो लॉ के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसके लिए एस वरदाराजन का केस है, एस वरदाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि किडनैपिंग के अंदर जो है क्या वर्ड यूज है। सेक्शन 359 से सेक्शन 363 तक हमें यहाँ पढ़ना है, सेक्शन 359 से सेक्शन 363 तक। और आप इसका 10 मार्क्स का वेटेज मान के चलो कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा दो और केसेस दिए हुए हैं, केस नंबर 21, केस नंबर 22, जो का आपका ठकरोल डी वाडागामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस, नाम ही आपको लग रहा है सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी ऐसा क्राइम जो सेक्स से रिलेटेड है, यानी जो विक्टिम है आप उस पे सेक्सुअली, या आप उसको कहते हो कि सेक्सुअली उसको हरेस करते हैं, आप उसका सेक्सुअली जो है उसके ऊपर क्राइम करते हैं, जैसे कि रेप हो सकता है, या उसकी छेड़खानी हो सकता है, या उसको मोडेस्टी को आप डिस्टर्ब करते हो, या उसके सामने इस तरह के कुछ
भद्दे गीत गाते हो, तो इनके लिए अलग अलग प्रोविजन है। पहला जो है वो है रेप, और रेप डिफाइन है 375 में, सेक्शन 375 में रेप डिफाइन है, सेक्शन 376 में उसकी जो है सजा है। और जो निर्भया का केस हुआ था, निर्भया के केस के बाद में जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, एंड जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में सेक्शन 375 को अमेंड कर दिया, और अभी ये काफ़ी जो है वो एग्जॉस्टिव है, बहुत बड़ा है। लेकिन जो रेप है वो जेंडर स्पेसिफिक है, यानी रेप के अंदर विक्टिम केवल लड़की हो सकती है। अगर लड़के के साथ विदाउट कंसेंट या फोर्सफुली अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी लड़की करती है तो वो रेप नहीं माना जाएगा, बिकॉज प्रोविजन ऐसा कहता है। ऐसे ऑफेंसेस या ऐसे प्रोविजन को हम ये कहते हैं कि दीज आर द सेक्स ओरिएंटेड ऑफेंस, जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस है। फिर उसी के साथ में सेक्शन 376 ए है, सेक्शन 376 बी सी डी, जो कि अलग अलग तरह के रेप के सिचुएशंस को कवर करता है। और उसी के साथ सेक्शन 354 है। सर सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर, यू सेड दैट बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन, बट इन रेप केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन डिफेंडेंट, इज इट राइट और नॉट? No, it is not right. See, burden is always on the prosecution, lekin sometime the burden is relaxed by creating presumption. So, rape case ke andar sexual intercourse hua without consent of the woman, hua without consent of the girl hua, lekin ye jo consent wala cheez hai ye prove karna hai prosecution ko, yani us ladki ko hi prove karna hai, lekin इंडियन एविडेंस एक्ट में एक प्रजम्पशन बना दिया, एंड प्रजम्पशन इज व्हेन सी सेज दैट सी वाज नॉट कंसेंटेड, लॉ विल प्रज्यूम दैट सी इज नॉट कंसेंटेड। सो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमने रिलैक्स कर दिया प्रजम्पशन के थ्रू, और इसलिए जो है उसकी तरफ से हमने मान लिया कि ये चीज प्रूव हो गई, केवल वो कहती है इसलिए। ठीक है, ओके, माइक ऑफ कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद में आपके पास सेक्सुअल हरेसमेंट का है, सेक्शन 354 ए, आपके पास सेक्शन 354 बी है, असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू द वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, वोयरिज्म है, अगर कोई लेडी जो है किसी सेक्सुअल एक्ट में एंगेज है या और ड्रेस चेंज कर रही है या यूरिनेशन कर रही है या और किसी तरह से वो इस तरह से एक्टिविटी में है और आप उसकी परमिशन के बिना उसको देखते हो तो उसको वेरिज्म बोलते हैं। फिर उसके बाद में सेक्शन 354 डी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे, जिसको स्टॉकिंग कहते हैं, जिसको पीछा करते हैं, और स्टॉकिंग को भी पनिशेबल बनाया गया है, बिकॉज स्टॉकिंग के बाद में ही अगर उस एक्टिविटी को नहीं रोका जाता तो कहीं ना कहीं फिर उस वुमेन पे अटैक होता है, रेप होता है। सो स्टॉकिंग, किसी को पीछे करने को स्टॉकिंग बोलते हैं, और ये सेक्शन 354 डी में प्रोहिबिट है। फिर आपके पास एक सेक्शन है 509, वर्ड और गेस्चर इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन। सो अगर आप किसी वुमेन के सामने कोई ल्यूड सॉन्ग गाते हैं, भद्दा सॉन्ग गाते हैं या और किसी तरह के गेस्चर करते हैं, इशारे करते हैं जिससे कि उसकी मोडेस्टी भंग हो, तो वो सेक्शन 509 में है। अब ये सारे ऑफेंस जो है कहीं ना कहीं सेक्स से रिलेटेड है, आपका जो इंटेंशन है वो सेक्सुअल इंटेंशन है, इसलिए आप ये काम करते हो और इसलिए इनको सेक्सुअल ऑफेंसेस कहते हैं। यहाँ पे केस नंबर 23 से लेके आपको पढ़ना होगा केस नंबर 27 तक, और यहाँ से आप 20 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट मीन अगर 10-10 के क्वेश्चन पूछेंगे तो 2 क्वेश्चन, अदरवाइज सीधा आपका 120 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है। और कंवरपाल गिल वर्सेस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी चंडीगढ़, ये भी इम्पोर्टेंट जजमेंट है, ये दोनों जजमेंट इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो आपका नवतेज सिंह जौहर वाला, जो कि सेम सेक्सुअल रिलेशन से रिलेटेड है, 377 के ऊपर,
सो सेक्शन 377 भी हम पढ़ेंगे, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ। अगर कंसेंसुअल सेक्स है तो वो आपका जो है एग्जेम्प्ट है। अदर यानी जो सेक्शन 377 वो कहता है कि दो तरह के सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं, एक होता है मेल और फीमेल के बीच में जिसको कहते हैं स्ट्रेट सेक्सुअल रिलेशन और हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन, एक होता है मेल या मेल के बीच में, फीमेल या फीमेल के बीच में, तो जिसको हम सेम सेक्सुअल रिलेशन कहते हैं। और अगर लड़का लड़की लड़के के बीच में होता है तो उसके लिए टर्म यूज होती है गे, लड़की लड़की के बीच में होती है वुमेन वुमेन के बीच में तो लेस्बियन, और इसी तरह से अगर कोई जेंडर चेंज करवा लेता है तो उसको ट्रांससेक्सुअल। तो इनके लिए LGBT जो कम्युनिटी है वो डिटेल में कभी हम जब चैप्टर करेंगे तो डिस्कस करेंगे, और क्लासेस में मैं करता हूँ बट बिकॉज ऑनलाइन पे इतना डिटेल में पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है तो मैं यहीं पे इसको करता हूँ। और ठीक है, फिर आपके पास यूनिट 8 था, यूनिट 8 में ज्वाइंट लाइबिलिटी एंड ग्रुप लाइबिलिटी, ये केवल दो ही सेक्शन करना। ज्वाइंट लाइबिलिटी के लिए सेक्शन 34, ज्वाइंट लाइबिलिटी क्या है, ए और बी दोनों ने दोनों की जो है दोनों ने देखा कि सी आगे से आ रहा है और दोनों ने स्कीम बनाई कि मैं उसके हाथ पकड़ूंगा और आप उसके सर पे डंडे से मारना। अब ए ने बी जो सी के हाथ पकड़े और बी ने सी डंडे से मारा और जिसके कारण सी की मौत हो गई। जब ट्रायल हुई तो बी ए डिफेंस लेता है कि जी मैंने तो केवल हाथ ही पकड़े थे, असली मौत तो बी ने की। ऐसे केसेस में जो है ज्वाइंट लाइबिलिटी काम होती है कि आप लोगों ने जो काम किया वो काम तो अलग अलग किए लेकिन आप लोगों की कॉमन इंटेंशन थी और वो कॉमन इंटेंशन उसकी डेथ कोज करने की थी, तो आपके हाथ पकड़ने को भी उस कॉमन इंटेंशन लगा के और माना जाएगा कि आपका जो है आपने उसका कल्पेबल होमिसाइड किया। अगर मर्डर का प्रूव हो रहा है तो मर्डर होगा। और ग्रुप लाइबिलिटी जब 5 या 5 से ज्यादा लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे ग्रुप ज्वाइंट लाइबिलिटी में कॉमन इंटेंशन है सेक्शन 34, ग्रुप लाइबिलिटी में कॉमन ऑब्जेक्ट है सेक्शन 149। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ आप लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट था कि जाके ऑफिस को तोड़ना है, और उस कॉमन ऑब्जेक्ट के दौरान जब आप किसी इलीगल एक्ट को काम करने जाते हो तो जो 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जो ग्रुप है वो अनलॉफुल असेंबली बन जाता है, और वो जो अनलॉफुल असेंबली काम करता है तो उसमें जो भी मेंबर उस समय पार्टिसिपेट रहता है ही विल बी लाइबल फॉर द सेम पेनल्टी। सो इसको हम ग्रुप लाइबिलिटी बोलते हैं। सो दोनों सेक्शन है, 34 ज्वाइंट लाइबिलिटी, सेक्शन 149 ग्रुप लाइबिलिटी, और इनसे आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है जो है आप 10 मार्क्स का समझो, 20 भी क्या, 10 मार्क्स का जो है मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, 3 केस दिए हुए हैं, सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मिजाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मैना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसके बाद में आपकी 9th यूनिट है, दैट इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब ऑफेंस की 4 स्टेज होती हैं, ऑफेंस के 4 स्टेज होते हैं। पहला होता है कि आप मन बनाएंगे, ठीक है, आप आइडिया आएगा कि मुझे बी की हत्या करनी है। सपोज ए को आइडिया आया कि मुझे बी की हत्या करनी है बिकॉज बी ने बहुत परेशान किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो है हत्या करने के लिए ए कुछ प्लान बनाएगा, कुछ प्लान बनाएगा कि मैं जहर दे के करूँगा, तो वो जहर लेके आता है दुकान से, तो इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। और उसके बाद में वो जहर बी की चाय में मिला देता है, और अगर वो चाय पीने से मर गया तो वो मर्डर हो गया, दैट इज दैट ही कमिटेड द क्राइम। बट अगर कोई ऐसा एक्ट आ गया जो कि ए के कंट्रोल में नहीं था और जिसके कारण जो बी है उस वो नहीं मरा तो वो अटेम्प्ट माना जाएगा, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। एंड सेक्शन 511 इन जनरल डिफाइन करता है अटेम्प्ट को। सो ऑफेंस की 4 स्टेज होती हैं, पहली आप उसको बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ मेंटल स्टेट, देन प्रिपरेशन, देन अटेम्प्ट, एंड फोर्थ इज द कमीशन ऑफ द क्राइम।
अटेम्प्ट प्रूव करने के लिए सेक्शन 5(1) में है कि आपका काम जो है वो ओवर्ट एक्ट होना चाहिए, यानी अगर वो आपका काम सफल हो जाता तो मौत हो जाती। आपने जहर प्रक्योर किया और दुकानदार ने आपको बेवकूफ बना दिया, जहर की जगह चीनी दे दी और उस चीनी को आपने चाय में मिला के बी को दे दिया और बी तो नहीं मरा, तो इसको अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा बिकॉज उस चीनी से बी मरता ही नहीं। लेकिन अगर आपने उसमें जहर था लेकिन बी ने वो चाय थोड़ी पी या बी ने उल्टी कर दी जिसके कारण वो बच गया, उस समय वो अटेम्प्ट माना जाएगा। तो अटेम्प्ट बड़ा थोड़ा सा टिपिकल है इसको समझना, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक आता है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अगर कोई अपनी ही हत्या करना चाहता है तो उसको अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बोलते हैं। और यही एक ऐसा ऑफेंस है सुसाइड जिसमें अटेम्प्ट पनिशेबल है लेकिन कमीशन पनिशेबल नहीं है। बिकॉज अगर आपने सुसाइड कर ही दी तो आप प्रोसिक्यूट किसे करोगे, जिसने ऑफेंस किया वो तो मर गया। इसलिए जो है कमीशन हर ऑफेंस का पनिशेबल है, केवल सुसाइड का छोड़ के। अटेम्प्ट मोस्टली में अटेम्प्ट भी पनिशेबल हैं, प्रिपरेशन लाइक डकैती वगैरह की प्रिपरेशन भी पनिशेबल हैं, लेकिन जब आप मानसिक रूप से प्लान बनाते हो वो किसी भी ऑफेंस का पनिशेबल नहीं है। अब यहाँ पे हमने जो है 5 केसेस दिए हुए हैं बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अटेम्प्ट समझना, और इसलिए इन 5 केसेस से हम ये चीज़ें समझते हैं। अभी 10th यूनिट है, दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चैप्टर 17th जो आईपीसी का है उससे रिलेटेड ये है। केवल 2 ही यूनिट बच गई, 10th और 11th, और इसमें हम केवल 4 ऑफेंस पढ़ेंगे, ज़्यादा ऑफेंस नहीं पढ़ने हैं। पहला थेफ्ट, चोरी, सेक्शन 378, पनिशमेंट है सेक्शन 379। एक्सटोर्शन सेक्शन 384, रोबरी एंड डकैती, सो सेक्शन 378, सेक्शन 379, सेक्शन 383, सेक्शन 384, सेक्शन 390 एंड सेक्शन 391। 4 चीज़ें पढ़नी है, थेफ्ट, एक्सटोर्शन, और थेफ्ट और एक्सटोर्शन से ही रोबरी बनती है। ठीक है, थेफ्ट क्या होता है, जब आप जो है प्रॉपर्टी को मूव करवाते हो आप रॉन्गफुल इंटेंशन से, ठीक है। और अगर आप जैसे आपने किसी की चैन उठा ली तो ये चोरी है, लेकिन आपने उसको डराया जिस कि मैं आपके घर वालों को बता दूंगा, मेरे पास आपकी वीडियो है या कुछ भी, और विक्टिम ने अपने आप चैन दे दी, तो ये है एक्सटोर्शन। और अगर इस चोरी और एक्सटोर्शन करते समय आपने ऐसा बल का यूज किया जिससे उसकी डेथ हो सकती है या इंजरी कॉज हो सकती है, तो वो बन जाएगी रोबरी। और अगर उस रोबरी को 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति करते हैं तो वो सेम रोबरी आपकी बन जाएगी डकैती। तो ये चारों ऑफेंस एक दूसरे से एक हिसाब से कनेक्ट हैं, थेफ्ट 1, एक्सटोर्शन 2, रोबरी 3 एंड डकैती 4। और इस पोर्शन से आपको, बिकॉज ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो आप सबको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और 4 केसेस दिए गए हैं, प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वो बंदा कुछ लेके जाता है और वापस रिटर्न करने की इंटेंशन से होता है, लेकिन कोर्ट ने माना कि आपने एक बार सामान मूव कर दिया, आपकी इंटेंशन कुछ भी हो वो चोरी ही मानी जाएगी। ठीक है, आपने किसी की जेब से पैसे निकाले और पैसे निकाल के आप भाग भी नहीं पाए, पकड़ लिया आपको और वहीं बस में पिटाई हुई, लेकिन आपने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद में आपको पिटाई, तो जैसे ही आप उस मेंसरिया के साथ कोई प्रॉपर्टी मूव करते हो आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द ऑफ दैट पर्सन, सो ये आपका बन जाता है थेफ्ट। डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा तो फिर क्लासेस में आपको मजा नहीं आएगा। लास्ट यूनिट है आपकी ऑफेंसेस, यहाँ पे 3 तरह के ऑफेंस हैं, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपको मैं सामान दे के गया और आपने उस सामान को यूज कर लिया, तो
इसको बोलते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। या आपको लॉ फैकल्टी में किसी का पर्स मिला और उस पर्स में आईडी कार्ड भी था, आप उसको ढूंढ सकते थे उसके मालिक को, लेकिन आपने सोचा क्या फर्क पड़ता है, गए और उन पैसों से आपने सामान यूज कर लिया, तो उनको आपने अप्रोप्रिएट कर लिया। अप्रोप्रिएट मतलब पैसे को यूज करना, प्रॉपर्टी को यूज करना, और चूंकि वो आपकी नहीं थी इसलिए इसको मिस अप्रोप्रिएशन कहते हैं, और ऐसा मिस अप्रोप्रिएशन जिसकी सजा है तो उसको क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है। तो या तो आपको उसका मालिक का पता हो या उसका मालिक आप ढूंढ सकते हो, आपने किसी से चुराया नहीं, किसी के पोजेशन से नहीं, आपको मिला था लेकिन आपको पता था ये किसका पर्स है या आप उसको ढूंढ सकते थे, तो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हो जाता है। सेकेंड ऑफेंस है यूनिट 11 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपने जो है लाइब्रेरी के लॉकर में कोई सामान रखा और वो लाइब्रेरी के लॉकर से आपने जो डायरेक्शन दिया कि भाई चाबी उसको दे के चले गए, या उसके लॉकर में जो है आपके पीछे से वो सामान निकाल लेता है वो बंदा जिसको आपने अथॉरिटी दे के गए थे, सो इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी आपने ट्रस्ट करके वो किया और वो उसने वो ट्रस्ट को तोड़ दिया और ये पनिशेबल है, इसलिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। चीटिंग सेक्शन 415 से सेक्शन 420 तक चीटिंग होती है। अगर आप किसी को डिसीव करके, छल करके, अगर छल करके किसी से कोई सामान लेते हो या किसी से कोई ऐसी चीज करवा लेते हो जो अगर आप छल नहीं करते तो नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं चीटिंग। जैसे कि आपने बताया कि मैं यहाँ का आईएएस हूँ और मुझे जो है आप होटल वाले को बोला कि मुझे खाना पैक करके दो, अब आपने यहाँ पे छल किया, डिसीव किया उसे, और अगर आप वो ये चीजें डिसीव नहीं करते तो शायद वो आपको खाना नहीं देता फ्री, तो ऐसी चीजों को चीटिंग बोलते हैं। तो इसकी पनिशमेंट आपकी 420 में है, इसीलिए बहुत बार यूज होता है कि 420 आदमी है वो, तो ठीक है। और अगर आप दूसरे एक आदमी की जगह आप दूसरा आदमी बन के जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं चीटिंग बाई इम्परसोनेशन। चाहे वो दूसरा आदमी अपने आप को कोई जिंदा आदमी आप दिखाओ या अपने आप को किसी मर्द आदमी की जगह पे आप दिखाते हो, तो उसको हम बोलते हैं चीटिंग बाई इम्परसोनेशन। चार केसेस दिए गए हैं और इसमें हमें 400 कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं, 403, 404, 405, 415, 416, 417 भी हम पढ़ेंगे और 420, ये 5-6 सेक्शन पढ़ने हैं। चार केसेस दिए गए हैं, जय कृष्णा मोहनदास देसाई स्टेट ऑफ मुंबई, महादेव प्रसाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अखिल किशोर स्टेट ऑफ वर्सेस एम्पायर, भगवान महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे पूछते हैं कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें, कौन सी परचेज करें, क्या पढ़ना है, तो देखिए तीन बुक मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा, उनमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हो। तीन चीज़ें आपको चाहिए। पहली चीज़, आपको आपके पास में आईपीसी का बेयर एक्ट होना चाहिए, बिकॉज बेयर एक्ट जो है उसको बेयर इसलिए कहते हैं कि केवल वो कानून है जो जो पास किया था, या कोई भी एक्ट जो होता है पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली या कोई भी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर पास करता है, तो उसको हम अगर उसके अंदर प्रोविजन के साथ कोई कॉमेंट्री नहीं है तो उसको हम बेयर एक्ट कहते हैं, कि केवल कानून है इसके साथ कोई कॉमेंट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी ऑथर की, उसमें राय उसमें कॉमेंट्री नहीं है। एक तो आपको आईपीसी का बेयर एक्ट खरीदना है। सेकंड चीज, आपको अपना जो केस मटेरियल है जो कि मैंने ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है और आप लॉ फैकल्टी की वेबसाइट से भी ले सकते हो, वो करना है। तीसरी चीज, आप एक बुक खरीद सकते हो। यहाँ पे मैंने तीन बुक आपको बताता हूँ। पहली बुक है के डी गौर क्रिमिनल लॉ केस मटेरियल। सो के डी गौर की आप बुक खरीद सकते हो, या आप रतन लाल धीरज लाल द इंडियन पीनल कोड, ये वाली बुक खरीद सकते हो। एंड थर्ड वन इज द आर सी निगम लॉ ऑफ द क्राइम्स, दिस थर्ड वन। सो आउट ऑफ दीज थ्री बुक आप इन तीनों में से कोई सी भी खरीद सकते हो।
अब ये आपकी मर्जी है, आप बुक्स को देख के देख लो, जो सी आपको अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, आपके बजट में जो समा रही हो वो आप परचेज कर सकते हो, तो इनमें से एक किताब आप खरीद सकते हो। तो ये तीन चीजें ही चाहिए हमें। एक तीसरी बुक का नाम है आरसी निगम की बुक है, या तो रतनलाल धीरजलाल, या आप केडी गौर की खरीद लीजिए, या आरसी निगम की खरीद लीजिए। इन तीनों में से कोई एक बुक अगर आप परचेज नहीं कर सकते हो, फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आप लाइब्रेरी से बोरो कर सकते हो और पढ़ के आप फिर रिटर्न कर देना, या दो लोग स्टूडेंट्स मिलके भी एक किताब खरीद सकते हैं अगर उस तरह की पैसे की कोई प्रॉब्लम है तो। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए, बेयर एक्ट, केस मटेरियल और ये, और बाकी आपका टीचर की लेक्चर्स, उसमें अपने आपको प्रॉब्लम जहां भी हो वहां पे पूछो, और जिस हिसाब से टीचर पढ़ा रहा है पॉजिटिवली उस हिसाब से जाना। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा आर्गुमेंट करना है कि आप उस समय सोच रहे हो कि ये केस है जो जीतना है, ठीक है, जो लॉ है वही तो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। अगर कहीं ऐसा भी आपके क्लास कोई टीचर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कीप पेशेंस, टाइम के साथ सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं, समझ आ जाती हैं। सो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है, और सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप में तो आप मुझे पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यस, सर नेक्स्ट क्लास कब होगी सर, टाइमिंग कैसे पता चलेगा? टाइमिंग ग्रुप में हो जाएगा, सब लोग डिस्कस करके कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी की बाकी कोई स्पेशल प्रॉब्लम हो, ऐसे हो, तो मेरा चैम्बर नंबर 118 है, वहां आके कंसल्ट कर सकता है, नई बिल्डिंग में उमंग भवन में 118, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी सर, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में सर फाइन डिफरेंस क्या होगा? देखिए, फाइन डिफरेंस केवल मेंसरिया का है, इंटेंशन में तो इंटेंशन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो सेकंड पोर्शन है, जो सेकंड पार्ट है सेक्शन 299 का, जहां पे कहता है कि इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी आपने किसी का हाथ काटा और डॉक्टर ये कहता है कि ये हाथ काटने से आदमी मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता, तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन अगर हाथ काटने से डॉक्टर ये रिपोर्ट देता है कि ये जो इंजरी जो दी है हाथ पे, इतनी डीप जो इंजरी है, इससे इन इट इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ, कि ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसे में आदमी मर ही जाता है, तो ये मर्डर हो जाएगा। सो जो सेकंड पोर्शन है जहां पे नॉलेज वाली बात है, तो थर्ड पोर्शन है जहां नॉलेज है, दैट नॉलेज लाइकली टू कॉज डेथ। लेकिन सेक्शन 304 में क्या कहता है कि दैट एक्ट इज सो डेंजरस That in all probability it will cause. So, जो possibility है, वो section 299 में possibility आपकी कम है death cause होने की, and section 300 में possibility to cause death ज्यादा है. So, जो possibility है, जो fine difference वो यही है कि जो possibility of causing death है, that is more in the murder. Okay, sir. Thank you. Okay. Okay guys, good night, bye bye, we will meet again. Good night sir. Good night sir. Sir, good night, sir. I have a question. Yes. I have a general question which is clicking my mind. Sir, yes, ask. Hello, sir, am I audible? Haan, boli. Yeah. What is the difference between office and crime? How can you elaborate with illustration? See, one video I will share to the group, and there you can watch an exhaustive video I made on this. Generally, crime jo hai ek general word hai, lekin IPC mein jo proper word use hai, that is offense. Aur section 40 mein offense hi use hai. Theek hai? तो आईपीसी में जब आप कहीं भी होगे तो ऑफेंसिव वर्ड यूज करोगे, लेकिन नॉर्मली उसको क्राइम करते हैं। इसके अलावा इनका क्या डिफरेंस है, मैं ग्रुप में एक वीडियो शेयर करूंगा, उससे आप सुन लीजिए, ठीक है? ओके सर। एक क्वेश्चन है सर मेरा।
ट्रांसफर ऑफ मैलिस है सर, वो कितना दूर तक जाएगा? उदाहरण के तौर पे कोई कुछ खरीद के लाया किसी को मारने के लिए, उसका इंटेंशन था उसको मारने का, और वो कचरे के डब्बे में चला गया और कोई भिखारी उसको 20 किलोमीटर दूर खा लिया, तो क्या उसको इसके लिए सजा मिलेगी? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ मैलिस जो है वो आपका यूज होता है कि उस एक्ट के द्वारा किसी की मौत जो हुई है उस समय, अब उसमें दूरी या समय का नहीं है। जैसे कि आपने किसी को जहर मिला के किसी के घर में मिठाई दी और वो मिठाई जो है उस बंदे ने अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर दी, जैसे आपने ए को मारने के लिए जहरीली मिठाई उसके घर पे दिवाली के दिन डिलीवर की, अब दिवाली के दिन मिठाई दूसरे को चिपकाते हैं तो ए ने वो मिठाई तीसरे को चिपका दी और उसने वो मिठाई चौथे को चिपका दी और फाइनली जो है उसकी डेथ होती है, तब भी ट्रांसफर ऑफ मैलिस यूज होगा। तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस है, ये टाइम और वो नहीं देखना है, यानी आपने जो काम किया वो किसी की डेथ कॉज करने के लिए था एंड फाइनली उस काम से किसी की और डेथ हो गई, सो वो यूज हो जाएगा। तो सर इसमें ए को ऑफेंस होगा या सर जो लास्ट वन होगा उसका ऑफेंस होगा? इसमें डाउट है सर। एक एक बोल लो। हाँ सर, इसमें ये डाउट ये है कि अब इसमें इंटरवीनिंग एक्ट भी तो बहुत हो गया, तो जो डायरेक्ट हो जाए आपको जो ना का जो रिलेशनशिप, इंटरवीनिंग एक्ट का मतलब है क्या उस जहर में किसी ने कुछ मिलाया है? इंटरवीनिंग एक्ट ये होता है कि जो आपने एक्ट किया, एक्ट क्या था, जहर की मिठाई देना, ठीक है ना, और वो जो इंटरवीनिंग एक्ट ये है कि अगर उस जहर की मिठाई को वो खा लेता लेकिन वो खाने से नहीं मरा है, उसके बाद में खाने के बाद में वो जो जहर था उसके साथ दूध पीने से रिएक्शन करता है या उसने दूध पिया लेकिन वो दूध पीने वाला भी इंटरवीनिंग नहीं है, फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया लेकिन हॉस्पिटल में जो है वो जा रहा था तो ऊपर से गमला गिर गया, ये इंटरवीनिंग एक्ट है, ठीक है ना। कोजा कोजा नाम हम डिटेल में बताएंगे तो वहां पर। तो सर मैलिस का ट्रांसफर सर ए को आएगा या जिसने लास्ट में दिया होगा सर उस पे ऑफेंस होगा? नहीं, इसमें लास्ट में नहीं, फाइनली उसके कारण किसकी मौत हुई, जैसे कि हमारे पास जो ये केस है, जैसे इसने बी को दिया, सी को दिया, सी ने डी को दिया और डी की मौत हो गई, तो सर ये चाहे दिया भी ना हो, जो ये केस है एम्पायर वर्सेस मुश्नूरु सूर्यनाम मूर्ति, तो वो जहरीला हलवा देते हैं, हाँ सूर्यनारायण मूर्ति में, और वो बच्चे खा लेते हैं, तो बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उसमें लगता है, ठीक है। सो मोर हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। कैन ऑल कल्पे होमिसाइड बी कंसीडर्ड एज मर्डर? सारा कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता, एक्सेप्शन होता है। बाय एवरीवन।